हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एबीसी फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बड़े साइज का बैनर या फिर फ्लैक्स या फिर कोई डिजाइन बड़े साइज में करना चाहते हैं तो उसका साइज क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, प्लस उसका रेजुलेशन क्या होता है। और एक फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि किसी भी स्मॉल पीएसडी फाइल को लार्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सभी हम इस वीडियो में डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल घंटी जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं YouTube पे वीडियो पब्लिश करूँगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरे वीडियो को सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हम बताएंगे फोटोशॉप 7.0 में बताएंगे, और अगर आपके पास कोई सा भी टेम्पलेट में डिजाइन सॉरी कोई सा भी फोटोशॉप वर्जन में इस टेम्पलेट को डिजाइन करते हैं तो उसका साइज आप सेम लेंगे या फिर स्मॉल साइज को कन्वर्ट लार्ज साइज में कर सकते हैं सेम स्टेप फॉलो करके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे यानी न्यू पेज लेने के लिए, और यहाँ से नेम में तो जो भी आप नेम रखना चाहते हैं, जो भी टेम्पलेट आप बनाना चाहते हैं उसका नेम यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट साइज है तो इसमें से तो ले सकते हैं, लेकिन जो आप डिजाइन बड़े बड़े डिजाइन देखे होंगे वो सभी फिट में होता है तो इसमें वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप चाहें तो कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो भी साइज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सबसे पहले तो मेजरमेंट की बात करें इसकी यूनिट की, तो इसमें देखिए पिक्सल है, इंचेज है, सेंटीमीटर, उसी तरह से ये सभी ऑप्शन हैं। लेकिन जो आप बड़े बैनर डिजाइन करते हैं तो वो फिट में रहता है, ये सभी में नहीं रहता है। तो आप उसे फिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए इंचेज सेलेक्ट करेंगे और आप जानते हैं कि 12 इंचेज बराबर 1 फीट होता है, तो उसी तरह से जितने भी फीट का बैनर आप डिजाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आपको चाहिए विथ यानी चौड़ाई में 3 फीट का, तो 12 तिया 36, तो 36 यहाँ टाइप कर दीजिए यानी 36 इंचेज हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर से सेलेक्ट कीजिए इंचेज और मान लीजिए यहाँ जैसे कि हाइट जितना आप रखना चाहें, जैसे 2 फीट मान लीजिए, तो यहाँ 12 दूना 24, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से रेजुलेशन की, तो दोस्तों रेजुलेशन आप मिनिमम 450 दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 तक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम 600 दें, जैसे कि हम 600 दें तो ये देखिए इसका साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से 600 रखते हैं रेजुलेशन तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये कुछ 50 रेजुलेशन आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मेरा साइज एक्चुअल हुआ। और दोस्तों एक क्लियर और करना चाहूँगा कि अगर आप प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए आप बनाते हैं तो उसमें 300 रहता है, 300 रेजुलेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डिजाइन करते हैं तो वो वेब पे जैसे कि इंटरनेट पे डालना चाहते हैं या डिजिटली देखना चाहते हैं तो उसमें 72 यानी 72 रेजुलेशन दे सकते हैं या फिर 96। तो इस तरीके से यहाँ रेजुलेशन का फंडा है। उसके बाद यहाँ तो ये साइज की बात हो गया। अब यहाँ से मोड में, दोस्तों मोड में क्या होता है कि यहाँ से देखिए बिटमैप ग्रे और यहाँ से RGB CMYK लैब कलर। तो दोस्तों RGB का मतलब क्या होता है, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू, ये डिजिटल रूप से देखने के लिए अगर आप बैनर डिजाइन करते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वेब पेज पे अगर इस डिजाइन को रखना है तो RGB में सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि RGB का कलर होता है वो नॉन प्रिंटेबल, जैसे कि इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें आप बना लेंगे सही है, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो उसमें कलर डिफरेंट आ जाएगा। और यहाँ से अगर यही काम अगर CMYK करेंगे, जैसे कि सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक,
ये कलर प्रिंटेबल है, तो किसी भी बैनर को प्रिंट करने के लिए इसी को यूज में लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर प्रिंट करना हो तो CMYK कलर सेलेक्ट कीजिए, और अगर वेब पेज पे छोड़ना हो तो RGB कलर सेलेक्ट कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको इसमें कन्फ्यूज रहता है। और ये ग्रे स्केल, तो ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को फ़ोटो क्या डिजाइन भी कर सकते हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप वेडिंग एल्बम भी डिजाइन करते हैं तो वो CMYK के कलर में ही डिजाइन कीजिए, नहीं तो आप RGB में तो कर लेंगे लेकिन वो जब प्रिंट करेंगे तो वो कुछ जैसा कलर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस तरह से प्रिंट नहीं होगा, और CMYK के प्रिंट होगा, जैसा आप स्क्रीन पे देखेंगे वैसा ही प्रिंट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद यहाँ से कंटेंट है, तो यहाँ से वाइट है, तो अभी हम इस पे वाइट ही रहने देंगे क्योंकि जो बैकग्राउंड चाहिए हमें वाइट चाहिए। यहाँ से अगर आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंस इमेज के लिए होता है, तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें इसमें कर सकते हैं, लेकिन वाइट ही ध्यान में रखें कि रहे। उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ उस ये जो हमने डिजाइन का साइज दिए हैं वो साइज में ये पेज बन गया। अब इसको इस तरह से जैसा मन वैसा डिजाइन इसमें बना सकते हैं। अब एक फ्रेंड्स का कमेंट था कि किसी भी स्मॉल PSD फाइल को लार्ज में कैसे करें, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो फोटोशॉप में किसी भी डिजाइन होता है तो वो होता है रास्टर ग्राफिक्स डिजाइन, और रास्टर ग्राफिक्स डिजाइन में डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई डिजाइन अगर स्मॉल साइज में बना लिए और उसको अगर लार्ज साइज यानी बड़े साइज में कन्वर्ट करते हैं तो वो पिक्चर क्वालिटी कम होती है, और यही वेक्टर डिजाइन होता है जो कि कोरल ड्रो हो गया, इलस्ट्रेटर में हो गया, ये सभी में वेक्टर डिजाइन होता है, तो उसको बड़ा कीजिए छोटा कीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे कि हमारे पास एक डिजाइन है ये DVD लेबर, जो कि हमने कुछ दिन पहले इस पे वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई के बटन पे लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए कुछ बड़े साइज में कन्वर्ट करना है, पहले तो हम इस साइज देख लेते हैं कि ये कौन सी साइज में है। तो साइज देखने के लिए हम यहाँ से इमेज में चलते हैं और यहाँ से इमेज साइज में चलेंगे, और उसके बाद क्या है यहाँ से इस इमेज का साइज आप देख सकते हैं ये पिक्सल में है। अगर आप इसको बड़ा करते हैं, बड़ा करना चाहें इस फाइल को, तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ साइज देंगे, जैसे कि ये HD का साइज होता है 1920, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से ऑटोमेटिक ये यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ लिंक है, इसलिए अगर इसको अनलिंक कर देंगे तो कहीं भी एक ही जगह ये चेंज होगा। उसके बाद यहाँ से बात करें रेजुलेशन की, तो आप रेजुलेशन से भी साइज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो पिक्चर क्वालिटी है वो घटने लगेगी, ख़राब दिखने लगेगा। तो यहाँ से हम मान लीजिए 400 कर देते हैं, रेजुलेशन भी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, रेजुलेशन भी ज़्यादा रख सकते हैं, और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका बड़े साइज में। ये कुछ इमेज इस तरह से अभी भी क्वालिटी है इस इमेज में, क्योंकि इसका क्वालिटी था ही, इसका रेजुलेशन कुछ सही था और इसका साइज भी कुछ सही था, तो उतना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये देखिए कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस इमेज का क्वालिटी कुछ अच्छा था। अगर यही हम इसको साइज में ज़्यादा कर दें तो इस पे प्रभाव पड़ने लगता था। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी स्मॉल साइज को कन्वर्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।